बायां पैर नीचे, दाहिना ऊपर, ये सिद्धासन है, इसमें सभी बैठ सकते हैं। और बच्चे तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, बड़ी उम्र वाले ऐसे पैर मोड़ के बैठ सकते हैं, ये सुखासन। और बच्चे तो दाहिने पैर को बाएं पर रखा, बाएं को दाहिने पर रखा, ये हो गया पद्मासन बच्चों के लिए। तो बच्चे ऐसे तो पांच प्राणायाम हम बताते हैं, भस्त्री का, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, कान बंद करके मुंह बंद करके ओंकार का नाद कर सकते हैं नाक से, इससे मन एकदम शांत हो जाता है। इसमें इन पांच प्राणायामों के अभ्यास में दो प्राणायाम सबसे ज्यादा करने हैं, एक कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। कपालभाति से पूरा स्टमक, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लेडीज का यूट्रस, ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट, गॉल ब्लैडर, फिर स्टमक, हार्ट, लंग, थायराइड, पूरा अंदर का सिस्टम अच्छा हो जाता है। हाथों को ध्यान मुद्रा में, ये ध्यान मुद्रा है ऐसे, पहली उंगली और अंगुष्ठ के अग्र भाग को ऐसे मिला दिया, ये ध्यान मुद्रा, इसमें बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है, ऐसे ऐसे बैठने से, ये ध्यान मुद्रा है। और इस पहली उंगली को अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं ऐसे, और अंगूठे से दबा देते हैं, तो वायु मुद्रा आर्थराइटिस आदि के लिए बहुत अच्छी है, जोड़ों में दर्द, गैस्ट्रिक के लिए, सब करो, ये तो सबके लिए कंपलसरी है। अब मैं कपालभाति पांच मिनट करना है आपको, आज का आज ही मेरे साथ कीजिए। सब बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े भी, सांस को बाहर छोड़ना है बस। जरा एक बात गौर से सुनना, कपालभाति करते करते जो भी हम खाना खाते हैं कहां जाता, हमारे पेट में, पेट से एब्जॉर्ब होकर के, पेट से माने इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है, फिर लीवर को, लीवर से पूरी बॉडी में जाती है। जो भी खाना है पहले पेट में जाता है, पेट से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, हमारे मसल्स को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, सबको बच्चों को मसल्स अच्छे लगते हैं ना, मेरे मसल्स अच्छे रहने चाहिए, सब बच्चे ऐसे देखते रहते हैं, मेरे मसल्स अच्छे हो गए ऐसे, तो मसल्स के लिए चाहिए प्रोटीन। मसल्स को क्या चाहिए, अभी किसी किसी बच्चे के मसल नहीं बन रहे तो उनको लग रहा है हमारा कुछ कमी है अभी, तो मसल्स के लिए क्या चाहिए बोलो, प्रोटीन। हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, बड़े होशियार बच्चे, कैल्शियम, और ब्लड को बढ़ाने के लिए आयरन, ब्लड के लिए आयरन, हड्डियों के लिए कैल्शियम, मसल्स के लिए प्रोटीन। अच्छा, किसी किसी का फैट भी कम है, कमजोर है थोड़े, पतले हैं, तो उनको क्या चाहिए, फैट। तो फैट मिल जाता है दूध से, दूध में कैल्शियम भी होता है, दूध में प्रोटीन भी होता है, दूध में रिच सोर्स कैल्शियम का, प्रोटीन का और फैट का, क्या है, मिल्क। अच्छा, तो अब कोका कोला, पेप्सी, थम्सअप पीते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, जोर से बोलो ना, प्रोटीन भी नहीं होता, उसमें कैल्शियम होता है, उसके अंदर फैट होता है, उसमें कोई विटामिन होता है, तो इसमें क्या होता है, उसमें होता है भयंकर केमिकल,
कोई गंदी टॉयलेट हो ना तो उसमें दो ढक्कन कोका कोला पेप्सी या थम्सअप को डाल देना, एकदम तूफान सा उठेगा और सारी साफ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, आओ कुछ तूफानी करते हैं। फिर ठंडा मतलब कोका कोला नहीं, ठंडा मतलब पेप्सी नहीं, जैसा मूड वैसी पेप्सी। क्या मूड ठीक करेगी? ऐसा बताओ, किसी का जो है आपका झगड़ा हो जाए घर में, बहन बहन का झगड़ा हो जाए, पेप्सी पीने से ठीक हो जाएंगे? पेप्सी पीने से किसी का मूड ठीक, मूड ठीक तब होगा ना जब हमारा विचार अच्छा होगा, थॉट अच्छे होंगे। मेरा किसी से झगड़ा होता ही नहीं क्योंकि मैं पेप्सी नहीं पीता। जो पेप्सी पीते हैं उनके झगड़े मूड खराब हो जाते हैं। कोका कोला ये ठंडा नहीं देता है, ये तो बहुत हॉट केमिकल्स होते हैं इसमें। ठंडक मिलती है पानी पीने से, ठंडक मिलती है अच्छे विचार से, ठंडक मिलती है माँ की दुलार से। कोका कोला से ठंडाई ठंडक मिलती है ना? इसलिए मैंने बोला ठंडा मतलब कोका कोला नहीं, ठंडा मतलब पेप्सी नहीं, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। तो सब बोलो, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर है ये। ये कोई नहीं पीना, तो आज से कोई भी बच्चा कोका कोला पेप्सी थम्सअप नहीं पिएगा। बहुत अभी तो केरला में और उधर टैक्स लगा दिया है, बर्गर पिज्जा और इन सब पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। कई कंट्रीज हैं वहां बैन है, अमेरिका में स्कूलों में, ब्रिटेन में, जो भी अच्छे समझदार देश है वहां कोका कोला पेप्सी इनके ऊपर स्कूलों में कॉलेजों में बैन लगा दिया है। क्यों? वहां की हेल्थ खराब हो रही है, बच्चे मोटे मोटे हो रहे हैं, इससे शुगर हो रही है, कोका कोला पेप्सी आदि और ये सब फास्ट फूड खा के क्या हो रही है बच्चों को, शुगर, ओबेसिटी और कैंसर तक हो जाता है इससे। और कोई ज्यादा एक साथ पी ले तो मौत तक हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा, पिछले 2 साल पहले की घटना है, करीब 2-3 साल हो गए, अब टीवी में भी आया, अखबारों में भी आया, यही पास में गाजियाबाद, दिल्ली के पास में गाजियाबाद में कहीं एक बच्चे ने 2 लीटर एक साथ पेप्सी कोका कोला कोई ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक पी लिया, मर वही मर गए। इसके अंदर भयंकर केमिकल्स होते हैं और इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। क्या लिखा रहता है इसके ऊपर? कार्बोनेटेड वाटर। क्या लिखा रहता है बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड पीने की होती है, छोड़ने की। आप लेते क्या हो? ऑक्सीजन। छोड़ते क्या हो? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने की चीज होती है, तो बेवकूफी का काम। कार्बन ऑक्साइड पी रहे पैसे में। अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही दिल्ली वालों को खूब मिलती है, थोड़े सड़क पे चले जाओ और ज्यादा लेने हो तो वो 3-व्हीलर का जो पीछे से आता है ना फूकनी, उसमें नाक लगा लो, खूब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इतने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं आए व्हीकल्स, फिर ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड पानी में भी कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे, डर तेरे की। चलो आज संकल्प लो, अपने को खराब चीज खानी, 2 चीजें सुन लो, बॉडी का रॉ मेटीरियल है फूड। बॉडी का रॉ मेटीरियल क्या है बोलो? जोर से बोलो। तो बॉडी का रॉ मेटीरियल क्या हुआ? फूड। जैसा फूड वैसी होगी बॉडी। अच्छा, बॉडी का रॉ मेटीरियल तो फूड है, और ब्रेन का रॉ मेटीरियल बोलो ना, थॉट्स, नॉलेज। जैसे थॉट्स होंगे, जैसे आपके नॉलेज होगा, जैसे आपके भीतर इमोशंस होंगे, वैसे आपका ब्रेन चलेगा उधर ही, उसी दिशा में। तो 2 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आहार और विचार। 2 चीजों पर किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बोलो बच्चों? गलत आहार, गलत फूड फीड नहीं करना अपनी बॉडी को, क्योंकि कोई भी चीज अंदर जाएगी ना तो ऐसी बाहर नहीं निकल जाती, वो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती है। तंबाकू खाओगे, दारू पियोगे, कोई भी खराब चीज खाओगे, बॉडी के अंदर रहेगी और धीरे धीरे कैंसर, टीबी और खतरनाक रोग पैदा करेगी। कोई भी चीज अंदर लेते हैं तो बॉडी का पार्ट बन जाती है। जो भी अंदर चीज डालोगे, पानी भी डाला तो बॉडी में, हमारी इस बॉडी में 70% क्या है? पूरी बॉडी में, माने ब्रेन में, हार्ट में, स्किन में,
ब्लड में सब जगह 70% क्या है, ईच एंड एवरी सेल 70% उस किस चीज से बना है बोलो, पानी से, वाटर से 70% क्या है बॉडी में। तो जो भी आप पानी पीते हो, ऐसे नहीं कि पानी पी लिया और फिर ये लघु शंका में निकल जाता है आप टॉयलेट बाथरूम जाते हो तो, नहीं वो भी 70% अंदर रहता है। और खराब वाटर जाता है तो वो फिर वो अंदर घुस जाता है किसमें, ब्लड में, बोन्स में, स्किन में। इसलिए खराब पानी पीने से स्किन प्रॉब्लम होती है, खराब पानी पीने से हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, दांत की प्रॉब्लम होती है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम होती है। जो भी चीज खराब पानी भी पियोगे तो अंदर बॉडी में चला जाता है ब्लड के माध्यम से। खराब पानी भी नहीं पीना, खराब खाना भी नहीं खाना, और खराब चीज तो खाना ही नहीं। तीन चीजें बड़ी खराब है, एक तो नूडल्स में और बिस्किट में मैदा बहुत खाते हैं आप लोग, मैदा वाली चीजें खाने में ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट लगती हैं, लेकिन वो सब आंत में जाके जमा हो जाती है धीरे धीरे, पेट खराब हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को इतनी गैस बनती है, क्लासरूम में छोड़ दे तो पूरी क्लास बेहोश, टीचर सहित। कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इतनी गैस बनती है, बाथरूम में वो निकल के आ जाए, दूसरा घुस जाए तो 10 मिनट बाद में घुसना पड़ता है, इतना गैस छोड़ते हैं छोटे छोटे बच्चे। क्यों, सब मैगी खा रहे हैं, सब बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, सब में क्या है, मैदा। हमने इसलिए ये अच्छे प्रोडक्ट बनाए, हेल्दी प्रोडक्ट, हमने नूडल बनाया किसके बिना, बिना मैदा के ये हेल्दी नूडल बनाए। ऐसे बिस्किट है, अब जैसे बिस्किट आए, ये दूध बिस्किट है, ऐसे कई तरह के हैं, चॉकलेट वाला बिस्किट भी है, क्रीम वाला भी है, सब तरह के हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का ये 100% 0% इसमें मैदा, 0% कोलेस्ट्रॉल, 0% ट्रांसफैट। ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल तो यह जमा होता है हार्ट में, ब्रेन की नसों में, कहीं पर भी तो पैरालिसिस होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किससे, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट से। और मैदा पेट में जमा होता है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो माताओं बहनों, ये चीज आप भी तय कर लो, घर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपका बच्चा क्या खाएगा, आपका पति क्या खाएगा, ये आप ही तय करते हो। तो घर में मैदा वाली चीजें नहीं लाना। हाँ, मैदा वाली चीज नहीं, चाहे बिस्किट हो, ये सब तरह के मैरी बिस्किट भी है, सब तरह के बिस्किट है, नटखट बिस्किट भी है, नमकीन बिस्किट भी है, ये जीरा बाइट्स भी है, कोई भी चीज मैदा वाली नहीं। अगली बात, जैसे नूडल है, ये हमने अभी तो तीन तरह का बना दिया है, क्लासिक भी बना दिया, चटपटा भी बना दिया है, फिर एक जो था ही पहले से ही, इसमें वेजिटेबल्स और सारा। अच्छी चीजें खाओ, खराब चीज नहीं, क्यों, अंदर जाके गड़बड़ी करेगी। आटा भी सफेद सफेद आटा खाने की आदत पड़ गई थी, हमने पहली बार शुरू में तो हमें दिक्कत हुई करीब 4 साल तक, फिर हमने प्रचार किया कि भाई फाइबर वाला आटा खाओ। चोकर को पहले लोग छान करके डांगरों को डाल देते थे, पशुओं को, हमने जो है अधिक फाइबर और बिना मॉइस्चर और मोटा आटा, बारीक नहीं, मोटा आटा होना चाहिए, मैदानी होनी चाहिए और फाइबर होना चाहिए। तो पहली बार हमने वो आटा बनाया। आज आप लोगों की जानकारी के लिए, पतंजलि का पहले 500 टन और अब 1000 टन प्रतिदिन की आटे की डिमांड है। हमने एक नई मार्केट डेवलप की, हेल्दी मार्केट। अब लोग ब्राउन कलर की रोटी खाने लग गए, पहले सफेद सफेद रोटी खाते थे, इतने बावलेपन का काम करते थे। तो हमने आटा, सारे कॉन्सेप्ट को चेंज किया हमने। फिर हेयर ऑयल्स के अंदर, ये जितने भी हेयर ऑयल है ना, अपने घर में जितने भी हेयर ऑयल रखे ना, चेक कर लेना एक बार, हेयर ऑयल्स में क्या मिनरल ऑयल, उसके ऊपर सीसी के ऊपर ना, इधर जब इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं ना, तो उसके अंदर लिखा रहता है, आप पढ़ लेना इंग्रेडिएंट्स के अंदर, ये जो पूरी लिस्ट आती है, जैसे इसमें 21 जड़ी बूटियां है, तो उसके अंदर कुछ आजकल हर्बल ऑयल करके बेचते रहते हैं, बहुत शातिर लोग हैं, और उसमें नीचे लिखा रहता है फिर मिनरल ऑयल, 40-80% मिनरल ऑयल होता है, कितना, 40-80% मिनरल ऑयल। आदमी सोचता है इसमें कौन मिनरल्स होंगे, अच्छा वो मिनरल ऑयल कैसा है, हाथ में लगाओ
बालों में लगाओ तो चिकना ही नहीं लगता, ऐसे बाल बाउंसी बाउंसी हो जाते हैं। वो बाल तो बाउंसी बाउंसी हो गए, लेकिन ये मिनरल ऑयल कैंसर पैदा करता है। चूहों और खरगोशों के ऊपर ये मिनरल ऑयल लगाया गया तो उनको ट्यूमर और बाद में उसमें वो मैलिग्रेंट ट्यूमर हो गया, कैंसर। अब आप बालों में तेल लगाती रहती हो, सप्ताह में एक बार तो जरूर लगाते हो, दो बार लगाते हो, जब शैंपू करते हो तब जरूर लगाते हो, लेकिन वो तेल कौन सा है? चेक करो, मिनरल ऑयल वाला तेल घर में नहीं आना चाहिए, घर में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आने चाहिए, मैदा वाली चीजें नहीं आनी चाहिए, ट्रांसफैट नहीं आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, ये आपको तय करना है। और मिलावट वाली चीज नहीं, घी और तेल मसाले सब चीजों में मिलावट आजकल, तो ये तेल में मिनरल ऑयल नहीं। अपना घर में जाके तेल चेक कर लेना, ये आपको यूज नहीं करना है। ये मिनरल ऑयल आप धीरे धीरे आपके बालों को ही खराब कर देता है। और आप अपनी चमड़ी पर लगाते हो सब केमिकल्स, इसका विकल्प है एलोवेरा जेल, ये लगाया करो। मेरे चेहरे पर कभी फुंसी हो जाती है ना, जैसे मेरी पित्त प्रकृति है, किसी की वात, किसी की पित्त, किसी की कफ प्रकृति होती है, तो बचपन में मेरी वायु की प्रकृति थी, तो मेरे को छोटे बचपने में घुटने में दर्द होता था, छोटा बच्चा था तो मैंने प्राणायाम किया तो वो तो ठीक हो गया, अब घुटने में दर्द आदि कुछ नहीं होता है। फिर अभी फिर एक प्रधान प्रकृति होती है, तो फिर मेरी पित्त प्रकृति है, तो कोई गर्म चीज खा लो तो फुंसी हो जाती है, पिंपल्स, एक्ने, ये एक्ने पिंपल्स, मुहासे कील, ये 3 दिन के अंदर थोड़ी पिंपल्स, 7 दिन के अंदर करीब सारे पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। और चेहरे पर लगाओ तो ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, मॉइस्चराइजर क्रीम, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, पता नहीं। और आजकल तो महंगी महंगी, इतनी महंगी महंगी क्रीमें, जो थोड़ा जिनके घरों में पैसा है तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की क्रीम खरीद के लगा रहे थे। हमने सबका विकल्प दे दिया आपको, वो सब चीजें तो आपको यहां पर भी रखी हैं, माताओं बहनों के लिए कुछ खास और भी रखा है। जैसे हमने ये 2 चीजें और बनाई माताओं के लिए, ये तो हमने बनाई नहीं, लिपस्टिक, लिपस्टिक को छोड़ के हमने सब कुछ बना दिया है। एक तो ये है, ये काजल, विदेशी कंपनियों की काजल, ये 900 रुपए में आती है, और वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। ये काजल लगाने, ये 90 रुपए की है, 10 गुना तो सस्ती है। आपको पतंजलि के प्रोडक्ट आप घर में यूज करना शुरू कर दोगे तो 50% आपकी सेविंग हो जाएगी, 50% एवरेज, 50% सेविंग, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, लो प्राइस, 100% प्योरिटी, और जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% चैरिटी, ये और कहां होगा बताओ। अब ये जो काजल है इतनी जबरदस्त है, और इसकी पैकेजिंग देखो, इंटरनेशनल पैकेजिंग है पूरी, ऐसे लगाओ अपना, अभी मेरी आदत नहीं है ना, तो ऐसे करके माताएं लगाती है, ऐसे ऐसे लगा लो। इसके क्या क्या फायदे होंगे? इसके फायदे होंगे कि आंखों में जलन नहीं होगी, ये दिल्ली वालों को तो जरूर लगाना चाहिए, यहां बहुत पोल्यूशन होता है, आंखें धीरे धीरे खराब हो जाती है। और इससे छोटे बच्चों को भी लगा दो तो उनकी आईसाइट अच्छी रहेगी, आंखों, और लगती भी नहीं है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, जो जड़ी बूटी 100% ये वो है आयुर्वेदिक, इसमें कोई केमिकल वाला चक्कर नहीं है। तो ये काजल, फिर जो है आप लोग ये सुहाग के तौर पर जो है सुहागन जो औरतें होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, वो लगाती हैं क्या, ये सिंदूर, इसमें इतने केमिकल होते हैं, किसी किसी को तो थोड़े दिन के बाद खुजली और सफेद दाग तक हो जाता है, तो हमने सुहाग टीका भी बना दिया। खैर ये है जोरदार चीज, तो एलोवेरा जेल 100% नेचुरल है, मॉइस्चराइजर का काम करता है। जैसे बचपने में आपके चेहरे पर ग्लो होता है ना छोटे बच्चों को, जैसे छोटी गुड़िया के ये जो बच्चे बैठे मेरे सामने, श्रेया और आपका क्या नाम है, अभिषा, अन्वेषा, क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है। छोटे छोटे बच्चों की जैसे चमड़ी का कलर होता है ना, आप बाद में चाहते हो बच्चों जैसा फेस हो, आपका ग्लो करता हुआ, सॉफ्ट और एकदम स्किन
बात ऐसी सुंदर होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए। तो ये एलिवेरा जेल जैसा बचपन में तुम्हारी मां ने तुम्हें पैदा किया ना, वैसा कर देगा, इतना अच्छा है। दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको आपका मदर वाला कलर, जैसे मां ने पैदा किया था वैसा मदर वाली ब्यूटी आपको दे सके। ये है एलिवेरा, और मैंने इसका प्रयोग लाखों लोगों पर किया पहले, और हम पतंजलि पहला ऐसा है जो इसको इतने बड़े रूप में लेके आया, नहीं तो पहले सब केमिकल बेचने में लगे हुए थे। इस देश में हजारों ने लाखों करोड़ कमा लिए फेयर एंड लवली वालों ने, लेकिन एक हिंदुस्तान की बेटा बेटी नहीं, पूरी दुनिया में मैं घुमाऊं, मुझे पूरी दुनिया में एक ऐसी कोई मां बहन बेटी नहीं मिली जो फेयर एंड लवली लगा के गोरी हुई हो, लेकिन बेचे जा रहे और हम भी इतने बावड़े खरीदे जा रहे लगाए जा रहे, और ये माताएं खरीद के लाती है और ये पुरुष भी चोरी चोरी छुपके छुपके लगाते रहते हैं कि शायद हो सकता है ये लगा रही है तो हमारा भी कुछ हो ही जाएगा। वो ये लगाओ, कैसे लगाना, देखो ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे निकल जाता है बिल्कुल ऐसे, देखो ऐसे एकदम, और ऐसे लगा के ऐसे मसाज कर लो इसकी, ये अंदर चला जाता है चमड़ी के अंदर, पूरा अंदर चला जाएगा ये, और रात को लगा के सो जाओ, सुबह वॉश कर लो, दो बार लगाना है तो सुबह स्नान करने से पहले एक दो घंटे पहले लगा लो इसकी, फिर बाद में सूखने के बाद ना फिर इसके उतारेंगे तो हल्की सी लेयर बन जाती है इसकी। ऐसे भी लगा के दिन में भी लगा सकते हैं, रात को लगा सकते हैं। आजकल माताएं बहनें शहरों में तो 3-3, 5-5 हजार का फेशियल करवाती है, फेशियल, ए फेशियल ये लगाओ एलोवेरा जेल, कहीं आपको ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत ये अपना